सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, फुटबॉलर सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता दुनिया भर के मुसलमानों का दिल। फिलिस्तीनियों के इफ्तार के लिए दिए 1.5 मिलियन यूरो मतलब 12 करोड़ रुपए। खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। आपको बता दें, मुस्लिम धर्म में बेहद ही पाक माने जाने वाला रमजान का महीने चल रहा है। दुनिया भर में रमजान के पाक महीने को लेकर काफी पहले से ही जोर शोर से तैयारियां की जा रही थी। वहीं कई इस्लामिक देशों में रमजान को देखते हुए खास इंतजाम भी किए गए हैं। अगर फिलिस्तीनियों की बात की जाए तो यहां रहने वाले मुस्लिम वर्ग रमजान में भी संकटों का सामना कर रहा है। बता दें, इजराइल के सुरक्षा बलों और निहत्थे फिलिस्तीनी मुस्लिमों में झड़प की खबरें आम होती जा रही हैं, जिसके चलते फिलिस्तीनी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसी बीच रमजान के पाक महीने को देखते हुए पुर्तगाली सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। आपको बता दें, रोनाल्डो को दुनिया के सबसे ज्यादा रहम दिल इंसानों में से एक माना जाता है। वे अक्सर ही विभिन्न परेशानियों का सामना कर रहे लोगों की मदद करने के लिए आगे रहे हैं। वे इसके लिए बहुत बड़ी तादाद में पैसे का दान भी करते रहे हैं। बता दें, इस बार रोनाल्डो ने गरीबी का सामना कर रहे फिलिस्तीनियों की मदद की है। मीडिया की खबरों के अनुसार रोनाल्डो ने रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए फिलिस्तीनियों को इफ्तार के लिए खाना खिलाने के लिए 1.5 मिलियन यूरो मतलब 12 करोड़ रुपए का बड़ा दान किया है। वहीं जब यह खबर दुनिया के सामने आई तो दुनिया भर के मुस्लिमों ने इसे अद्भुत कार्य के लिए रोनाल्डो का दिल से धन्यवाद दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि फिलिस्तीन की मदद के लिए दुनिया भर के कई देश सामने आ रहे हैं। हाल ही में सिखों की एक बड़ी संस्था भी फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए पहुंची थी। इसके अलावा तुर्की की तरफ से भी मदद मुहैया कराई जा रही है। आपकी रोनाल्डो के इस नए काम के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।